नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल लगातार BJP पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में BJP नेता सूरजपाल अम्मू ने कांग्रेस और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान जोश में उनके बोल बिगड़ पड़े। उन्होंने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे हाथों में बहुत दिनों से खुजली हो रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी अगर मिल जाएं तो मैं उन्हें बताऊंगा CAA और NRC क्या है। सर, मैं पिछले कई महीनों से ओवैसी को ढूंढ रहा हूं, मिलता नहीं है। क्यों नहीं? मेरे हाथ में बहुत दिन से खुजली सी भी हो रही है, मिले फिर मैं आपको बताऊंगा कि CAA क्या है, NRC क्या है। हाथों में खुजली से मतलब क्या? अरे क्या मतलब है साहब, देश की संसद के अंदर कानून पास हो गया, तब क्यों शोर नहीं बचाया आपने? हैदराबाद की बेटी को जला दिया गया, सरेआम बोलते हो आप देश धर्म की बात करते हो, क्यों नहीं गए उस बच्ची के घर पे संवेदना प्रकट करने के लिए? ये ओवैसी ये तो देश को तोड़ने का काम करता है। तो ये हाथों में खुजली का मतलब पीटने वाले हैं? मैं समझ सकते हो, मैंने एक दिन फारूक अब्दुल्ला के लिए कहा था, फारूक अब्दुल्ला बेचारे जेल में है। तो ऐसे लोगों का कुछ मेरे तरीके से करनी सेना के तरीके से इलाज होना चाहिए। करनी सेना का क्या रुख है इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि करनी सेना कहीं ना कहीं सामने आती है, कई बार समझाने की लोगों ने कोशिश की। अब करनी सेना अगर ये हालात रहे तो क्या रुख रहेगा करनी सेना का? इस देश पे अब मुगलों का राज नहीं है, इस देश पे 135 करोड़ लोगों का राज है, और मुझे लगता है कि अब ये देश टूटने वाला नहीं है। ओबीसी के नाम से देखो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो कम से कम समझना चाहिए सर। राजघाट में जिन लोगों की समाधि के सामने बैठे हैं, कम से कम उनकी आत्मा को शांति के लिए बैठे तब तो समझ में आता है, परंतु उनकी आत्मा को अशांत करने के लिए लोग जिस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं राजघाट में बैठकर, मैं कहना चाहता हूँ 1947 के समय देश का विभाजन नेहरू जी ने किया, धर्म के आधार पर किया, और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस देश का विभाजन करना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार का इन लोगों का व्यवहार रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इटली वालों को इटली चला जाना चाहिए, खासतौर पर सोनिया गांधी को। अरे जब हम सोनिया गांधी जैसी इटली की विदेश से आने वाली महिला को हम हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकते हैं, और अगर राहुल गांधी को अगर हिंदुस्तान का ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, CAA समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो पप्पू हैं, कभी पास हुए नहीं, हमेशा फेल होते रहे, अगर इनकी समझ में नहीं आ रहा तो थाईलैंड की नागरिकता ले लें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश को तोड़ने का कार्य हमेशा से कांग्रेस ने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी और कांग्रेस देश को तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों का करनी सेना के तरीके से इलाज होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ओवैसी करनी सेना के किसी भी सैनिक को मिल जाए तो उन्हें इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। न्यूज डेस्क।